इधर दक्षिण में बेंगलुरु कोयम्बटूर पश्चिम में गुजरात के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए पूर्वी भारत का रुख किया है। सीएम शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित इंडस्ट्री मीट में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गढ़ से सीएम यादव ने 19,270 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव लाए। कुल 16 बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की सहमति जताई है, जिससे 9,450 रोजगार मिलेंगे। ऐसा पहली बार है जब ममता के गढ़ में मध्य प्रदेश में एक बार में इतने निवेश की संभावनाएं बनी। आईटीसी ग्रुप ने इंदौर और ग्वालियर में अपने होटल शुरू करने पर सहमति जता दी है। एमपी बिरला समूह उज्जैन के बड़नगर में 3500 करोड़ रुपए से सीमेंट इकाई लगाएगा। लक्स रूपा और डॉलर जैसे होजरी सेक्टर में बड़े निवेश होंगे। सबसे अधिक 9,540 करोड़ रुपए का निवेश माइनिंग सेक्टर में आएगा। ये ज्यादातर बुंदेलखंड में फैला है। समिट में बांग्लादेश मालदीव समेत 8 देशों के कॉन्सुलेट और 700 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। सीएम ने कहा, हम उद्योगपतियों के साथ सकारात्मक और सहयोगी नजरिए से काम के इच्छुक हैं। एमपी में सभी इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए तमाम संभावनाएं मौजूद है और हर संभव सहयोग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हमारे सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है। हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म, माइनिंग, हर सेक्टर में बड़ी पैमाने पर उद्योग की संभावना है। ऐसे में इसी बात को लेकर के हम यहाँ कलकत्ता आए। बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है और मुझे समाधान है इस बात का कि हमारा आना सार्थक रहा। कि नवाचार तो ये कि आज के समय में जिसकी आवश्यकता है उसको नए प्रकार से जितने भी करना चाहेंगे हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। और खास करके सरकार को लेकर के सरकार ने अलग अलग पॉलिसियां बनाई है और पॉलिसी के बाहर भी जाकर के कोई निवेशक आना चाहता है तो मैं स्वयं इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि पॉलिसी में भी बदलाव करना है तो कैबिनेट से हम बदल करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उद्योग लगे, उद्योग को बढ़ावा मिले। निश्चित रूप से उससे संतुष्ट और उससे ज्यादा बंगाल संतुष्ट हूँ। बंगाल में आज कलकत्ता से जो रिस्पांस मिला है ये भूतों ने भविष्य, इतनी बड़ी संख्या में सारे निवेशकों ने जो बात कही है, 700 से ज्यादा लोगों का पंजीयन होकर के जगह ही नहीं मिली, हाल में कई लोग बाहर से चले गए, तो ये रिस्पांस बता रहा है कि मध्यप्रदेश में लोगों का बहुत भरोसा है। हमारी सरकार सभी प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, भूमि सभी सस्ती दे रही है और सरकार केवल इतना जानती है कि अगर निवेशक अपना निवेश कर रहे हैं तो उसकी निवेश की भी गारंटी और व्यापार की गारंटी भी देना चाहिए, है ना, वो भी सब है। हमारी हवाई, सड़क, रेल सारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और देश के मध्य में भी है। इसके कारण से जो उत्पादन होगा, उत्पादन को खपाने के लिए देश के अंदर भी और देश के बाहर भी सर्वाधिक रूप से मध्यप्रदेश मुफीद है। लैंड पॉलिसी तो हमारे हाथ में, हमने तो कहा अगर अच्छा इंडस्ट्री है तो हम कोई उसकी कास्ट ज्यादा हमारे लिए बड़ा तनाव नहीं है, हम उसको मदद करना चाहते हैं, वो उद्योग लगाए, इतना ही बस। कि हमारे यहाँ से तो कई सारे लोग बंगाल से जाकर के 2-4 साल पहले से मध्यप्रदेश में काम कर रहे हैं और आज भी बड़े पैमाने पर लोग रुचि दिखा रहे हैं, तो सबकी संभावना का प्रदेश मध्यप्रदेश है और इसमें काम कर रहे हैं।